हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। देश के सभी युवा को इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो गुड न्यूज़ है कि सरकारी नौकरी निकाली गई है। किसके लिए? तो जो भी कैंडिडेट डिग्री धारक है, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, उन लोगों के लिए, ठीक ना। तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बिजली विभाग में वैकेंसी निकाली गई, अलग अलग डिवीज़न में वैकेंसी निकाली गई। जो कि ये वैकेंसी निकाली गई है ऑल ओवर के कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के, लेकिन देख लीजिए ये जो वैकेंसी निकाली हरियाणा से निकाली गई, ठीक ना। जैसे कि हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ HPUS, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक ना, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलग अलग डिवीजन से वैकेंसी निकाली गई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं HVPN, HPGNL, ठीक ना, HVGCNL, UHVNL, ठीक ना, DHVNL, तो अलग अलग डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई, बल्क मात्रा में वैकेंसी निकाली गई। तो जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हैं, ठीक ना, और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 में दिए हैं, जैसे कि गेट क्वालिफाई किए हैं 2022 वाला, तो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। मैं बहुत सारा टर्म कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, मैं बहुत सारा आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को गुजरते हुए जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, आप लोग को जॉब लेना है, ठीक ना। मैं हर चीज़ डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन बहुत सारा रखा गया है, ओके। चलिए हम लोग डायरेक्टली ये बात करते हैं, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑल यहाँ पे ब्रांच से यहाँ पे एलिजिबल फॉर्म को भरने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग असिस्टेंट्स AEJEE के लिए वैकेंसी निकाली, ठीक ना, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, यहाँ पर कार्डर असिस्टेंट के लिए या सिविल से किए हैं एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हु हैव द क्वालिफाइड क्लियर्ड द गेट 2022 एग्जाम एज द केस मे बी द, यहाँ पे फुल्ली फिल द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द HPUS एज द गिवन इन पारा 3 बिलो, ठीक है, तभी आप लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे देख लेना सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए अपना अपना ब्रांच यहाँ पे देख लेना, ओके। अब आइए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखा गया, ठीक ना। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में फुल टाइम, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप लोग का AEEE का आप लोग का पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया परमानेंट जॉब रहेगा, ध्यान रखना, ठीक ना। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन हाँ आरक्षण सिर्फ यहीं के स्टूडेंट को एलिजिबल, मतलब डोमिसाइल है, जैसे कि हरियाणा से निकाली गई है, ठीक ना, तो यहीं के जो कैंडिडेट होंगे तो उन्हीं को छूट मिलेगा, जो भी आरक्षण होगा, ठीक ना। इसका टर्म एंड कंडीशन जो होगा वो अपना देखते हुए आप लोग को वहाँ पर छूट मिलेगा। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट जैसे आसाम से हैं, बिहार से हैं, यूपी से, उनको जनरल में रखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को डोमिसाइल वहाँ से हैं तो उन लोगों को आरक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। उन लोगों को जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज में आप लोग को रखा जाएगा, ओके। फुल टाइम BBTech की डिप्लोमा, सॉरी यहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर किए हैं बैचलर डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द यहाँ पे यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 60% होना चाहिए मिनिमम, यहाँ पे मार्क्स बोला गया, जो भी कैंडिडेट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए रिस्पेक्टिव जनरल कैटेगरीज के लिए, और जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के डोमिसाइल है, ठीक ना, ध्यान रखना 55% है एलिजिबल फॉर्म को भरने, इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। और करके यहाँ पर दिया गया फुल टाइम मास्टर डिग्री किए हैं, ठीक ना, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल फॉर्म को भरने, लेकिन सेम टू सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर भी दिया गया, भैया देख लीजिएगा अपना इंजीनियर हो, 60% है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं, जनरल से हैं आप लोग, तो आप लोगों को 60% होना चाहिए मार्क्स, ठीक ना, टोटली 55 मार्क्स है आप लोग का। जो भी कैंडिडेट जैसे डोमिसाइल यहाँ हरियाणा से डोमिसाइल है, कैटेगरी वाइज यहाँ जैसे कि SC ST से आते हैं तो एलिजिबल है फॉर्म को भरने, लेकिन 55% ही हैं तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, पर यहाँ 60 इनका है तो भर सकते हैं, ओके। यहाँ पर सैलरी आप लोग को दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग का गेट आप लोग का स्कोर जो यहाँ पे करना EEE वाला जो कोड है आप लोग का देख लीजिए 53,100 से लेकर यहाँ पर देख लीजिए सैलरी कितना बेहतरीन मिलेगा आप लोग को, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ये चीज़ देख लीजिए, लाखों में बात किया गया, लेवल 9 का आप लोग का सैलरी मिलेगा, मतलब कि 50+60+ में चल जाओ, ठीक ना। लेवल 9 का मतलब ही होता है कि भैया ये लोग का सैलरी अपर लेवल का मिलता है, यही पे JEE है आप लोग यही हैं, ठीक है, तो JEE का भी सैलरी बेहतरीन मिलता है, सुख सुविधा भी मिलता है। तो यहाँ मैकेनिकल डिसिप्लिन से देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल सिंपल सी बात क्या है कि मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक से, बस सिंपल सी यही बात रखा करो, ठीक ना, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी आप लोग को 50-55 का रेशियो रहेगा, जनरल से हैं तो आप लोग को 60, और जो भी कैंडिडेट SC ST से हैं या
हरियाणा से डोमिसाइल है, तो उनका 55 मार्क्स एलिजिबल फॉर्म को भरने के, अपना मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए और में दिया गया फुल टाइम मास्टर डिग्री है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर दिया गया, जो कि यहाँ पे गेट स्कोर यहाँ पर दिया गया, भैया क्वालिफाई किए हैं 22 वाला पेपर, तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। सिविल के लिए, सिविल के लिए सेम टू सेम वही है क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इंजीनियर है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, आप लोग लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है और आप लोग का कमेंट आता है ऐसा लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 53,100 से लेकर आप लोग का जगह सैलर ये 16,780 रुपया आप लोग को, मतलब लेवल 9 का आप लोग इतना तो मिलता नहीं है, लेकिन आप लोग को रखा गया कि इतना में आप कमा सकते, इतना मिल कमा लीजिएगा। ठीक ना, पर मंथ मतलब साल का सॉरी। ठीक है, इतना कि इतना बीच में आप लोग का सैलरी रखा जाएगा, पैकेज होता है या CTC। ठीक ना, तो अप्रोक्स में मानिए कि 60,000 आप लोग को प्लस इसे मतलब मिलेगा, 70 के आसपास में आप लोग, 60, 65, 70 के आसपास में आप लोग का TA, DA, HRA बहुत सारे अलाउंसेस होती है, तो आप लोग को इंक्लूड किया जाएगा तो आप लोग को बन जाएगा उतना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया वैकेंसी जो निकाली गई है कितना कितना कहाँ है। देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के लिए अंडर द इलेक्ट्रिकल कैडेट यहाँ पर निकाला गया जो कैडरी के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए अपना अपना यहाँ पर देख लीजिए अपना सबका रो बना हुआ है। ठीक ना, अपना अपना कहाँ कहाँ से, जैसे कि 4 डिविजनल है। ठीक ना, इसका तो डिविजनल वाइज HBVNL में लिखिए, यहाँ पर 22 निकाला गया, तो यहाँ पर जैसे कि OBC SC ST जो भी है यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज आप लोग इसमें आते हैं। HPGCL के लिए यहाँ पर 61 है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर है, उसके बाद से फिर यहाँ पर है। ठीक ना, तो अपना अपना यहाँ पर देख लीजिए किस डिवीज़न में आप लोग आते हैं और किस डिवीज़न से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो अपना वो देख लीजिएगा कि भैया हम किस में आए हैं और किस में ज़्यादा सीट है। ठीक ना, मेरा ब्रांच कौन सा है। ओके, रिजर्वेशन आप लोग को साफ साफ यहाँ पर देखिए हर चीज़ लिख दिया गया, मेरा रिजर्वेशन जो है जो भी कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं उन्हीं को मिलेगा, जैसे कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्हीं को यहाँ पर छूट मिलेगा। ठीक ना, यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए बात यहाँ पर किया गया, टर्म एंड कंडीशन दिया गया, रिजर्वेशन रिजर्वेशन यहाँ पर कॉन्सेंसेंस यहाँ पर जो दिया गया इसको पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो कि भैया एक सब जैसे एक सर्विसमैन सी एस एम है, जैसे कि एक सर्विसमैन या मिलिट्री है पर्सन विद यहाँ पर वेदर एजवाइंस मिलिट्री सर्विस बिफोर द आफ्टर डिक्लेरेशन इमरजेंसी। ठीक ना, ये सब चीज़ से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप पिताजी आपके दादाजी मिलिट्री रूटीन में है तो आप लोग को आरक्षण देखने को मिलेगी, उसी यहाँ पर बोला गया तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया, रिजर्वेशन के बारे में बोला गया फ्रीडम फाइटर के लिए चिल्ड्रेंस यहाँ पर, यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रेंस ऑफ द हरियाणा आप लोग को ये जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया इसको देख लीजिएगा। ओके, एज लिमिट आप लोग का देख लीजिए 23/1/2023 आप लोग का यहाँ होना चाहिए, मिनिमम आप लोग का 24 और मैक्सिमम आप लोग का 42 आप लोग का रखा गया एज पर द इसके रूल के रिगार्डिंग, मतलब कि जैसे कि हरियाणा जो भी कैंडिडेट सरकार हो मतलब कि रूल रेगुलेशन फॉलो करती है तो उसी मतलब कि डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को छूट वहाँ पर मिलेगा, जैसे कि जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं। जनरल वालों को तो रखा ही जाएगा कैटेगरी में, लेकिन वहाँ के जो भी हुई यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखा गया 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, सेम टू सेम सेंट्रल लेवल वाला ही है। ठीक है, 52 साल 54 साल 55 साल ऐसे ऐसे है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या होने वाला था देख लीजिए, द कैंडिडेट हु हैव द यहाँ पर एक्सक्यूडेड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज द मेंटेनेड सीरियल नंबर है अबव द मस्ट हैव द क्वालिफाइड गेट, मतलब कि जो आप गेट क्वालिफाई किए हैं उसमें कितना स्कोर लाया है कितना नंबर लाया है उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पर रखा जाएगा। IIT कहाँ से क्वालिफाई किए कहाँ से पढ़े हैं वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, टर्म एंड कंडीशन IIT खड़गपुर। ठीक ना, करस्पॉन्डिंग्स पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सैलरी द ओनली एलिजिबल टू बी द कंसाइडेड फॉर द सिलेक्शन। ठीक ना, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया इसको आप रीड कर लेना। ओके, SC ST PWD कैंडिडेट हैं या NCL में आते हैं ये सब चीज़ यहाँ पर दिया गया कि आप लोग छूट जो मिलेगा उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर जो आप लोग का गेट एग्जाम जो दिए हैं आप लोग का 80 मार्क्स आप लोग का कहाँ कहाँ से कितना क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन 0.8 का रहेगा आप लोग का, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 20 मार्क्स आप लोग का सब नंबर जुड़ेगा। ठीक ना, टोटल आप लोग का किसे किसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा किसे किसे कितना नंबर जुड़ेगा वो सब चीज़ यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको टोटली रीड कर लेना। ओके, इसको पूरा मतलब डिटेल में पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, 10 नंबर कहाँ से जुड़ेगा कहाँ का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सब चीज़ अपना लगाना एक्सपीरियंस सब चीज़ आप लोग। मैं इसका फॉर्म लिंक और अप्लाई लिंक दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा, जैसे फॉर्म को आप लोग ना इसको पढ़ भी सकते हो अप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को फ़ी कितना पे करना है। ठीक ना, यहाँ पर 500 रुपये आप लोग को फ़ी करना है जो भी कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं
एक सर्विसमैन से हरियाणा के हैं मेल या मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपये देना होगा जो भी कैंडिडेट फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल यहाँ पे जनरल एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज कैटेगरीज ऑफ ऑल स्टेट के लिए यहाँ पे 125 रुपये आप लोग को पे करना होगा। SC ST BCA BCB ठीक ना, ESM EWS में तो आप लोग 25 रुपया, और फॉर द ऑल पर्सनस विथ मतलब कि आप लोग जैसे हैंडीकैप उन्डीकैप हरियाणा के हैं उनको पैसा नहीं देना है ठीक ना। नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ये सब चीज़ से आप लोग पैसा को आप डेबिट कार्ड ये सब चीज़ से आप लोग पे कर सकते हैं ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया, टर्म एंड कंडीशन इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग ओके। और कुछ दिया गया आप लोग के लिए कॉरेस्पोंडेंट्स पार्ट टाइम डिग्री ये सब चीज़ नहीं, मेन मेन आप लोग को मैं बताता हूँ। अब लास्टली आप लोग का क्या है कि भैया अप्लाई लास्टली आप लोग कब कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई आप लोग कब, मैं इसका लिंक दे दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 23/12/22 से आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया 23/1/2023 तक आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया जो कि मैं आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा ओके। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ठीक ना, सभी ग्रुप में शेयर करना। देखो यहाँ पर सबसे दिया गया डिटेल में कि भैया आप लोग एलिजिबल कब से हो, 23/12/22 को 10 बजे से आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए ठीक ना। 23/1/2023 को आप लोग को लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया जो कि आप लोग फॉर्म को भरने के लिए ठीक है। तो ये सब पूरा फॉर्मेट है, पूरा अच्छी तरह से आप लोग रीड कर लेना ठीक है। मैं हर चीज़ तो आप लोग को डिटेल में बता ही दिया हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।